सोशल मीडिया के अनुसार इंदिरा नगर के मयूर विहार कॉलोनी और सेक्टर 14 के आरएलबी स्कूल के पास दिखा तेंदुआ। अब ये खबर सच है या फिर अफवाह, इसका दावा हमारा चैनल नहीं करता। ये खबर दिखाने का हमारा सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता है, मैं अपने ये दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि कृपया करके अपने घर पे रहें, अपने दफ्तरों कार्यालयों से अपने घर जल्दी आने का प्रयास करें, अपने आप को सुरक्षित रखें। हमें हर दिन ये वीडियो दिखाने का सिर्फ यही उद्देश्य है हमारा कि आप लोग सुरक्षित रहें ताकि आपका परिवार हंस सके। धन्यवाद। ज़्यादा अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें और तेंदुए की हर रोज़ की नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको रोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं बोनी शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल बोनी क्रिएशंस में। और यह एक इंटरटेनिंग चैनल था, लेकिन इसको मैं इस समय सिर्फ एक न्यूज़ चैनल की तरह ट्रीट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ रीज़न कि लखनऊ में जो लिबर्ड न्यूज़ चल रही है उसको लेकर कई सारे रूमर्स भी आ चुके हैं, लेकिन मैं रूमर्स पे बिलीव नहीं करता, आपको देखिए मैं बिलीव करता हूँ, जो मेरे पास प्रूफ आता है मैं उस पर बात करता हूँ। और जैसा कि लिबर्ड की नई अपडेट मुझे मिली है कल रात से और आज की, कल रात में लिपट सेक्टर 14 इंदिरा नगर के पास जो आरएलबी स्कूल है उसके पीछे की कॉलोनी पे देखा गया। और आज की अपडेट जो मेरे पास आई है कहीं ना कहीं से गुप्त सूत्रों से या कहीं से भी पता चली दोस्त यारों के थ्रू, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो जानकीपुरम से थोड़ा सा आगे आने पे खुर्रम नगर चौराहा पड़ता है, खुर्रम नगर चौराहे से अंदर आएंगे तो ये चांदन और सुगमो की जो रोड आई हुई है यहीं पे एक मयूर विहार कॉलोनी पड़ती है। उस मयूर विहार की जो कॉलोनी के मकान बने हुए हैं उनके छत के ऊपर वो खुलेआम घूमता हुआ तेंदुआ देखा गया है। और वन विभाग का कहना है कि तेंदुआ मांसाहारी नहीं है, तो जो इतने सारे साक्ष्य हमें मिल रहे हैं, इतने सारे वीडियोस मिल रहे हैं, इतने सारे लोगों को जख्मी कर रहा है वो क्या है फिर? तो बस यही कहना चाहूँगा कि अभी भी वो पकड़ा नहीं गया है, ये वन विभाग की टीम की नाकामी जिस पे वो पर्दा डाल रहे हैं कि वो मांसाहारी नहीं है, है ना। तो इन सब चीज़ों पे बिलीव ना करें कि अगर उनने बोल दिया या अपडेट आपको मिल गई कि वो मांसाहारी नहीं है तो भाई उसको ढूंढने चल दें, उसकी मदद कर दें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अभी भी सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने अपने घर पे रहें, क्योंकि तेंदुआ घर की छतों तक भी जा रहा है। कहते हैं कि उसकी जो जंप है वो 12 फीट की है, मतलब 12 फीट वो एक बार में जंप कर सकता है, मतलब अगर वो सड़क से जंप करेगा तो आपके घर तक आता है, आ सकता है। बिकॉज ऑफ रीज़न घर की छत जो होती है वो 10 फीट से ऊपर नहीं होती है। तो भाई अपने अपने घरों में रहें, अगर छत पे रहते हैं तो दरवाज़ा बंद करके सोएं। बिकॉज आपको मैंने लास्ट जो वीडियो मेरी वायरल हुई थी उस पर आपने देखा है कि तेंदुआ अटैक कैसे करता है। तो प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने अपने घर पे रहें। बस इसके साथ ही मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मैं हर रोज़ आपको एक अपडेट देता रहूँगा इस रिपोर्ट की जब तक ये पकड़ा नहीं जाता है। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहें और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर रोज़ एक नई अपडेट के लिए। नमस्कार।